वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। हज 2021 पर इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने तैयार की रिपोर्ट, आजमीन की तादाद 60,000 तक महदूद करने से कोरोना का फैलाव 3% से भी कम होने का किया दावा। अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग हो सकती है खत्म। तालिबान ने दिया 7,000 बागी कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंगबंदी का ऑफर। यूरोपीय कंट्रीज जर्मनी और बेल्जियम में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही, 60 से ज्यादा अफराद हुए हलाक, दर्जनों अब भी हैं लापता, फोन और इंटरनेट सर्विस हुई सस्पेंड। पीएम मोदी ने रियासतों के सीएम्स के साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और टीका पॉलिसी पर फोकस करने की उन्हें दी हिदायत, कहा अनलॉक के बाद लोगों की जमा हो रही भीड़ है तश्वीशनाक। किसान लीडर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ 5 सितंबर को बुलाई महापंचायत, मीडिया से बात करते हुए कहा वापस नहीं होंगे किसान, अब मुल्क में होगी जंग। और इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के करीब गोली मार कर किया गया कत्ल, अफगानिस्तान के सफीर ने दी जानकारी, किसने और क्यों किया कत्ल सामने नहीं आई इन्फॉर्मेशन। सऊदी वजारत हज व उमरा की जानिब से रवां साल 1442 हिजरी में हुजाज की तादाद 60,000 मुकर्रर करने से कोरोना वायरस की रोकथाम में मदद मिलेगी और इसके फैलाव का तनासुब 3% से भी कम हो जाएगा। इस तरह अल्लाह के मेहमानों की सलामती को तहफ्फुज मिलेगा, ये बात एक साइंसी मुताले में बताई गई है। ये मुतालाती रिपोर्ट एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने तैयार की है। टीम के सरबराह उमुल कुरा यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी डॉक्टर अली अल शायरी हैं। रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज रखी गई। इसमें हज के दौरान में मुतअद्दिद वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले एहतियाती इकदामात और हिफाजती तदाबीर का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब वजारत हज व उमरा ने इस साल हज सीजन के लिए जायरीन के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में अगले जुमा को मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने के इजाज़तनामे को रोकने का फैसला जारी किया। स्पेशल फोर्सेज ब्राय हज व उमरा सिक्योरिटी के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अलबसामी ने वजाहत की है कि मुकदस दारुलहकूमत के मरकजी मकाम को मजाज अफराद के अलावा दीगर अफराद से खाली करा लिया गया है। अगले जुमा तक हरम कुद्दुसी का यह हिस्सा खाली रहेगा। हज के मौके पर सेहत, सिक्योरिटी और तंजीमी जाब्तों को मद्देनजर रखा गया है। ये बात काबिले जिक्र है कि वजारत हज व उमरा ने रवा साल के हज के लिए मंजूर शुदा तमाम खिदमात फराहम करने वालों के साथ हम आहंगी के तहत सऊदी अरब के अंदर से आजमीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। ईरान के साबिक सदर अली अकबर हाशमी रफसंजानी की साहबजादी फायजा हाशमी की तरफ से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। उन्होंने नौमंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इब्राहिम रईसी ने दावा किया है कि वह 18 मिलियन वोट हासिल करने में कामयाब रही हैं। इब्राहिम रईसी अपने हरीफों के मुकाबले में गैर मामूली बरतरी के साथ कामयाब करार दिए गए थे। फायजा रफसंजानी का कहना है कि इब्राहिम रईसी को अपनी कामयाबी पर इतराने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 30% यानी 30% ही वोट मिले हैं। उनका कहना है कि 1979 के बाद होने वाले तमाम सदारती इंतखाबात में हालिया इलेक्शन के दौरान टर्न आउट अब तक का कम तरीन टर्न आउट है। तालिबान ने 7,000 बागी कैदियों की रिहाई के बदले में 3 माह की जंगबंदी का ऑफर दिया है। यह ऑफर एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रुपों ने मुल्क भर में अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। हुकूमती तर्जुमान नादिर नादरी के बकौल ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। उन्होंने तालिबान की फायरबंदी की मशरूत पेशकश के बारे में मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि तालिबान ने अक़वामे मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल अपने लीडरों के नामों को भी इस फहरिस्त से हटाने का मुतालबा किया है। वादा रहे कि एक रोज़ पहले ही तालिबान ने ज़िला स्पेन बोल्दक के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस सरहदी रास्ते को बंद कर दिया था।
पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। अफगान तालिबान की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से खाली करवाए गए कंधार के इलाके स्पेन बोल्दक में अफगान फोर्सेस की चेक पोस्टों से तकरीबन 3 अरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। ये वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज स्मगलरों से रिश्वत के तौर पर वसूल करती थी। अफगान खुफिया एजेंसी NDS इन पैसों को पाकिस्तान में हमले करवाने के लिए दहशतगर्दों को अदायगी के लिए इस्तेमाल करती थी। अमेरिका साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए $10 मिलियन का इनाम मुकर्रर करने पर मजबूर हो गया है। अमेरिकी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों के पता चलाने और जिम्मेदार अनासर के महल वक़ू यानी उनके मकाम के बारे में इत्तला देने पर इनाम दिया जाएगा। अमेरिकी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए इंसाफ के नाम पर इनाम की पॉलिसी के तहत $10 मिलियन तक इनाम से नवाजा जाएगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में दावा किया है कि इंसाफ के नाम पर इनाम प्रोग्राम के तहत 1984 से अब तक $200 मिलियन से ज़्यादा की रकम बतौर इनाम 100 से ज़्यादा अफराद को दी जा चुकी है। लुबनानी वज़ीर आज़म साद अल-हरेरी ने हुकूमत बनाने में नाकामी पर रिज़ाइन कर दिया है। ज़राए के मुताबिक साद अल-हरेरी ने सदर मिशेल अवान से तवील मुशावरत के बाद मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया। वो गुज़िश्ता 8 महीनों से हुकूमत बनाने में मसरूफ़ थे जिसमें वो नाकाम रहे। इससे पहले साद अल-हरेरी ने 24 मिनिस्टर्स पर मबनी कैबिनेट बनाने का ऐलान किया था जिसमें सदर अवान की पार्टी को वजारत खारजा और वजारत दिफा समेत 8 वजारतें दी गई थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी काबीना बनाने में मुश्किलात का सामना था। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मैं हुकूमत बनाने से पीछे हट रहा हूं क्योंकि सदर आवान आईन में चंद तरामीम कराना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सकता। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरियंट के फैलाव से मुतालिक वार्निंग जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना की वबा अभी ख़त्म नहीं हुई और इसके फैलाव का रुझान ख़तरनाक है। इस वक्त कोरोना के वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा बासे तशवीश है। WHO का मजीद कहना है कि कोरोना के ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट आ सकते हैं जिन्हें कंट्रोल करना चैलेंजिंग होगा। दुनिया हलाकत कैस कोरोना वायरस की मौजी वबा से मरीजों की तादाद में इजाफा और इसके बाद अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। इंडोनेशिया में जानलेवा और हलाकत खैज आर्मी वबा कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैलने लगा है। गुज़िश्ते 24 घंटों के दौरान इस मुल्क में 54,000 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता की मुख्तलिफ इमारतों में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर तिब्बी अमले को तैनात किया गया है। बता दें कि इंडोनेशिया में कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है जिसके सबब पूरे इंडोनेशिया में लॉकडाउन नाफेज किया हुआ है। यूरोपीय कंट्रीज जर्मनी और बेल्जियम में बारिश और सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। मुख्तलिफ हादसात व वाकयात में 60 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों लापता है। दराए के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मुतासर मुल्कों में हलाक होने वालों में 9 अफराद का ताल्लुक माजूर अफराद के लिए बनाए गए फलाही मरकज से था, जबकि इमदादी कामों में मसरूफ 2 फायर फाइटर्स भी सैलाब की नज़र हुए हैं। मगरबी यूरोप में हालिया तूफान के बाद दरिया और पानी जमा करने के ज़खायर भर गए हैं जो सैलाब की वजह बने, जिसने रातों रात जर्मनी और बेल्जियम के कई देही इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ सड़कों की टूट फूट समेत फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मअतली की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़।
पीएम मोदी ने आज फिर एक मरतबा मुख्तलिफ रियासतों के सीएम्स के साथ मीटिंग करते हुए कोरोना की सूरत हाल पर उन्हें 4T पॉलिसी पर फोकस करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके की हमारी पॉलिसी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का अनेक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। मानव जात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सके, मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के खिलाफ किसान अब बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने दावा किया कि 5 सितंबर को हमने बड़ी किसान महापंचायत बुलाई है, ऐसा लग रहा है कि अब मुल्क में जंग होगी। हम तो लोग पता करने हैं, बारिश हो रही है, डीजल बहुत महंगा यहाँ पर पड़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही और खेती की लागत तो बढ़ रही, क्या फसलों के दाम भी बढ़ेंगे? किसान सारे सवाल है हमारे। किसान हम जाएंगे नहीं, गोपनीय पर तो नहीं, खुल कर आगे पूरे आएंगे। पब्लिक मीटिंग नहीं है, हम लोग उसे जाकर मिल रहे हैं, लोग के हाल चाल जान रहे हैं। जो लोग वहाँ पे डेथ होगी जिंदगी उनके वहाँ पे जा रहे हैं। किसान आंदोलन को चलते 7 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। आगे और कितना आंदोलन चलने की ये सरकार बताएगी? भाई किसान तो वापसी आएगा नहीं, किसान तो रहेगा वहीं, और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले, वही सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा युद्ध होगा, युद्ध होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार के वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। एलजी चाहते थे केजरीवाल हुकूमत सरकारी वकीलों के पैनल को ही किसानों से जुड़े केसेस में लगाना चाहती थी। अब कैबिनेट का फैसला एलजी के पास भेजा जाएगा। एमआईएम के कौमी सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने जहां कोरोना से हुई अमवात पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, तो वहीं आबादी कंट्रोल कानून पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को भी घेरा है। इसके अलावा उन्होंने ATS के जरिए गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों के बचाव में हुकूमत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ATS की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों का बचाव करते हुए कहा कि अगर अदालत ने इन सभी को बरी कर दिया तो हुकूमत क्या जवाब देगी। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है, ताज्जुब भी हुआ कि मुल्क के PM UP के लोगों के दुख, तकलीफ और बेबसी से इतना डिसकनेक्टेड हैं कि हकीकत का इकरार नहीं कर रहे। अपनी नाकामी को यूपी और मरकज की मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर में आवाम की जांच बचाने में नाकाम रहे। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते
और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहाँ से वो वहाँ के MP भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो, देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से BJP के MP प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने घर पर कोरोना वैक्सीन का टीका ऐसे वक्त लगवाया जब PM मोदी समेत कई बड़ी शख्सियत अस्पताल जाकर ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रज्ञा के घर पर टीका लगवाने पर कांग्रेस ने शदीद तनकीद की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तर्जुमान नरेंद्र सलोजा ने ट्वीट करते हुए तंज किया कि अभी कुछ दिन पहले ही बास्केटबॉल खेल रही वो ढोल की थाप पर नाच रही भोपाल की MP प्रज्ञा ठाकुर ने आज घर पर टीम बुलाकर वैक्सीन का डोज लगवाया। सलोजा ने सवाल किया कि मोदी जी से लेकर शिवराज जी व तमाम BJP लीडर अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा कर आए हैं, लेकिन हमारी MP जी को ये छूट क्यों, वो किस बुनियाद पर दी गई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करने वाले इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया। कुछ दिन से वो कंधार की मौजूदा सूरत हाल का कवरेज कर रहे थे। जुमा को अफगानिस्तान के सफीर फरीद मामोंदोजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह मालूमात दी। ज़राए के मुताबिक दानिश सिद्दीकी पाकिस्तान से लगे इलाके स्पिन बोल्दक ज़िले में एक हमले में हलाक हुए। ये कत्ल किसने किया इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है और ना ही वजूहात का इल्म हुआ है। दानिश सिद्दीकी पुलिट्ज़र इनाम जीतने वाले मारूफ जर्नलिस्ट थे जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कवरेज कर रहे थे। अफगान सफीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं इनसे 2 हफ्ते पहले काबुल में मिला था, इनके अहल खाना और राइटर से ताज़ियत करता हूँ। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। हज 2021 पर इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने तैयार की रिपोर्ट आज़मीन की तादाद 60,000 तक महदूद करने से कोरोना का फैलाव 3% से भी कम होने का किया दावा। अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग हो सकती है खत्म। तालिबान ने दिया 7,000 बागी कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंगबंदी का ऑफर। यूरोपीय कंट्रीज जर्मनी और बेल्जियम में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही। 60 से ज्यादा अफराद हुए हलाक, दर्जनों अब भी हैं लापता। फोन और इंटरनेट सर्विस हुई सस्पेंड। PM मोदी ने रियासतों के CMs के साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और टीका पॉलिसी पर फोकस करने की उन्हें दी हिदायत। कहा, अनलॉक के बाद लोगों की जमा हो रही भीड़ है तश्वीशनाक। किसान लीडर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ 5 सितंबर को बुलाई महापंचायत। मीडिया से बात करते हुए कहा, वापस नहीं होंगे किसान, अब मुल्क में होगी जंग। और इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के करीब गोली मार कर किया गया कत्ल। अफगानिस्तान के सफीर ने दी जानकारी, किसने और क्यों किया कत्ल सामने नहीं आई इन्फॉर्मेशन।
वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताजा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।